Great. I gotta run now, okay? All right, bye, babe. So long. सो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि GTA का एंड हो गया था। हम लोग यहाँ पे आए, हम लोगों को पैसा मिला 31-30 के करीब, तुम समझ लो कि सबको मिला। डेव नॉटन का आ रहा है, वेल माय फ्रेंड वी डिड इट, प्लीज़ फॉर द लव ऑफ ऑल दैट इन होली स्टे ऑफ ट्रबल। भाई जितने पैसे चाहिए थे वो पैसे मिल चुके हैं, आप चलते हैं प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, रेंट लेते हैं। गाड़ी नहीं है शोरूम में, गाड़ियाँ भी परचेज करें। और ये आ गया हमारा नलायक बेटा जिमी। खैर चलते हैं, बड़ी बड़ी दो प्रॉपर्टियाँ मैंने देखी है, पहले सबसे बड़ी वाली, फिर उसके बाद सेकंड बड़ी वाली। और पहली बड़ी कहाँ है, यहीं कहीं पे मैंने देखी थी। ये एक तो ये है प्रॉपर्टी, और एक है नहीं तो 7,50,000 की ये है डेढ़ रोड की प्रॉपर्टी, ये मैं ख़रीदना चाह रहा था। और यहाँ पे भी कोई है प्रॉपर्टी आई गेस, नहीं यार ऐसे नहीं। एक प्रॉपर्टी कहाँ गई, ये है, और एक प्रॉपर्टी यहीं पे ये है। तीन करोड़ की यही ले लेता हूँ यार, अकेले ठीक ठाक पैसे हैं, 3 करोड़ ऑलमोस्ट है, तो यही प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं। बाकी पैसे कम हो जाएंगे, आधे पैसे तकरीबन कम हो जाएंगे, तो मेरे पास आधे पैसे होंगे भी नहीं। बाकी फ्रैंकलिन वगैरह से कहेंगे वो प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेगा, पता नहीं रेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। रेंट मिले तो ज़्यादा अच्छा, मैं अभी गन में खरीके से जाहिर करना चाह रहा हूँ पैसों को, मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे पैसे मिले, कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी मैं परचेज़ करूँ कि उसका रेंट मिले, कितना हो भाई उद्देश्य। तो अमीर तरीन लोग हो गए भाई गेम के यार, 3 करोड़ सॉरी हर एक के पास हैं आप, 300 मिलियन समझ लो। मैं चाह रहा था 200-300 के करीब मिल जाए, वो मिल गया। ये है सबसे बड़ी प्रॉपर्टी इस पूरे गेम की, आई गेस ये पूरा का पूरा गेम है, क्या है ये अपोलो जो भी है वारा, देखते हैं नेट पे भी है कोई प्रॉपर्टी जो हो ज़रा। मीडिया फूड ट्राइल, मीडिया एंटरटेनमेंट है, और कोई नहीं है आई गेस। फूड एंड ड्रिंक, मनी एंड सर्विसेज है, मेस बैंक, ये तो सेंटा, ओह मेस बैंक में देखते हैं किसने प्रॉपर्टी वो किसने ट्रांसक्शन की। लेस्टर क्रैश में लास्ट 11 ट्रांसेक्शन, क्या बात है, इतना पैसा देख के बड़ी खुशी मिलती है। व्यू प्रॉपर्टी लिस्टिंग, अंडर कंस्ट्रक्शन है, ओके ऑनलाइन में शायद ये नहीं है मसला। यूजर नेम अनरिकॉग्नाइज, वी डू नॉट अपीयर टू हैव अ रिकॉर्ड ऑफ दिस थिंग एट दिस, ओके कोई मसला नहीं, पहले हम ये प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, देखते हैं इसका रेंट कितना आता है। वीकली इनकम, ओ भाई 1,42,300 आती है दूसरे वाले का, पहले देखते हैं, इतनी जल्दबाजी नहीं करते बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने में, इतनी जल्दबाजी नहीं करते। उसका भी करीब ही है ना, नहीं नहीं ये नहीं है प्रॉपर्टी, 32,000 का सही है ये वाली है आई गेस प्रॉपर्टी, 7,50,000 की, ये कौन सी है, ये मुझे ये वाली, और भी तो थी ना एक दो और प्रॉपर्टियाँ भी थी आई गेस, 7,00,000 की थी ये है ना, हाँ मार्क करते हैं इसके ऊपर, ठीक है चलना है। 1,42,000 यहाँ से मिलते हैं, और यहाँ से देखते हैं यहाँ से कितने मिलेंगे, अगर यहाँ से ज़्यादा मिलेंगे तो ये वाली ले लेंगे, वहाँ से ज़्यादा मिलेंगे तो वही, देखो ना एक प्रॉपर्टी परचेज करने को इतने मिल रहे हैं, पागल ही हम लोग जो नहीं परचेज करें। उतरो गाड़ी से, कितने मिल रहे हैं यहाँ से, मोर मनी दिस प्रॉपर्टी कॉस्ट एंड मोर मनी टू पे, अच्छा ये और भी ज़्यादा है, ये मज़ीद ज़्यादा है, तो भाई पहले वो परचेज़ कर लेते हैं फिर उसके बाद देखेंगे, बहुत पैसा कमाना है भाई इसमें, कहा मैं अभी भी गरीब शो कर दिया भाई, मैं से वो 15 की है भाई, ये समझ गया मैं, समझता था इतना पैसा होगा, नहीं है भाई गरीब लोग हैं, सबको मिला के भी इतना पैसा नहीं होगा। खैर परचेज़ कर लेते हैं। टिवोली सिनेमा, द बिजनेस वी प्रोवाइड मूवीज़ टू द पीपल ऑफ लॉस
San Andreas weekly profit will be $1,42,300. Occasionally the manager may contact you for help with the running of the business. Okay, no problem. Bye. हो गए गरीब. अब हम लोग एक दो प्रॉपर्टियाँ और हैं, वो भी हम परचेज़ कर लेते हैं ताकि हमारी इनकम मज़ीद बढ़ जाए. 7 लाख के करीब ये प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं हम लोग. उसने तो मना कर दिया था ना जब नहीं कर सकते, तो ये वाली प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं. खैर इतने पैसे बनाते कैसे, मुझे ये समझ में नहीं. GTA के अंदर इतना पैसा कहाँ से बना सकते हैं कि भाई वो वाली प्रॉपर्टी भी परचेज़ करें. खैर मैं इसको बेच दूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर होगा नहीं हो सकती हम लोग नहीं खरीद सकते तो भाई बेच देंगे ज़्यादा से ज़्यादा. ये कर सकते हैं हम लोग, और क्या कर सकते हैं. बेचना एक आसान हल मुझे लग रहा है. खैर एक तो अच्छी चीज़ हुई कि हमें इतने पैसे मिल गए, हमने पूरा सिनेमा खरीद लिया. 1,42,000 कम वीकली, और वीकली का मतलब ये है कि 4 हफ्ते 4 लाख के करीब, 6 लाख रुपए के करीब मिल जाएंगे. 5.5-6 लाख रुपए मुझे आराम से मिल जाएंगे एक महीने के अंदर मतलब. ठीक है, जो कि इतना कोई नहीं होता, आसान होता है. और 1-2 हज़ार शायद और भी थे जो मुझे मिल जाते. दूसरी 2-4 प्रॉपर्टियाँ और हैं, उससे भी प्रॉपर्टियाँ पहले परचेज़ करते हैं. गरीब होते हैं पहले इन्वेस्ट करते हैं ताकि कोई चीप काट के हमारा पैसा ना निकाल ले. प्रॉपर्टियों में इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा है. फिर बंदूकें खरीदेंगे हम लोग, बंदूकों में फिर इन्वेस्ट करेंगे हम लोग गाड़ी गन बंदूकों में, इसलिए सिक्योरिटी के लिए गन एमुनिशन में हर किस्म की गन रखेंगे, रेल गन भी रखेंगे. 7,50,000 की प्रॉपर्टी आएगी इसमें. ये प्रॉपर्टी हम परचेज करते हैं, इसका भी कुछ इनकम आएगी, कुछ ना कुछ तो आएगी. गाड़ी भी बनवाऊंगा मैं बुलेट प्रूफ. 7,100 के करीब आ रही है, कर लेते हैं परचेज़ यार. 7 लाख है ना, 6 लाख रुपये एक महीने में आ जाएगी, कम तो मेरी पूरी हो ही जाएगी. आगे एक प्रॉपर्टी और है, उसके पास चलते हैं, वो प्रॉपर्टी की परचेज करने की कोशिश करते हैं. हे द कार, ओके नो प्रॉब्लम है. अब तो बुलेट प्रूफ बना ही दूंगा. होप यू डोंट माइंड मी कॉन्टेक्टिंग यू, आई एम द मैनेजर ऑफ पिक्चर. ओ 10 लाख यार, ये मुझे पहले परचेज कर लेनी चाहिए थी. खैर छोड़ो, 10 लाख भी हो ही जाएंगे. कितने हैं मेरे पास अभी इस वक्त, 10 लाख है ना, तो 1 करोड़ की आई गेस. 10 लाख करोड़ की, हाँ करोड़ की है, 1 करोड़. चलो एम्युनिशन पहले परचेज करते हैं, गाड़ी के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि 1 हफ्ते में कुछ ना कुछ तो आ ही जाएंगे. जब तक हम अपने शॉर्ट मिशंस करेंगे आरे टेढ़े कह लो इधर उधर के, उसमें तो आ ही जाएंगे. प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं अपने ऐप को, कभी लड़ाई हो गई कुछ हो गया तो उसके लिए. और कलर मेरे ख्याल से मैं इस गाड़ी को ऊपर नहीं करवाऊँगा, कलर का बाद में देखें. पहले तो अपने लिए हैवी एमिनेशन आर्मर पहले परचेज करो, फिर उसके बाद बंदूक के परचेज. ओ भाई सारी कितनी सारी बंदूकें. भाई पहले शुरू से शुरू करते हैं. जेरिकन है, स्टिकी बम है, प्रॉक्सिमिटी बम सारे परचेज कर लेते हैं, ग्रेनेड सारे परचेज कर लेते हैं, टीयर गैस है सारी परचेज कर लेते हैं. कलर मैं बाद में करवाऊंगा हर एक पे, कलर अभी नहीं करवाऊंगा. एक्सटेंडेड चेप, फ्लैश लाइट, सप्रेसर नहीं, मेरे ख्याल से मैं ये सारी चीज़ें भी अभी नहीं लगाता, सिर्फ गन पहले परचेज करता हूँ. और मैं वो करता हूँ परचेज, गनें हो गई और एमुनेशन हो गए उसके. भाई बहुत पैसा चले जाएगा इन सब चीज़ों में. भाई नहीं, और है कुछ, इसके ऊपर भी करवा सकते हैं. और कौन सी गन है, ये गन थी ना रॉकेट लॉन्चर, 2.5 लाख रुपये का ये गन अच्छी है. नीचे रॉकेट लॉन्चर, सारे रॉकेट दे दो. ये आई गेस फुल है, ये भी फुल है.
8 लाख रुपए हैं भाई। एम्यूनिशन तो है ना, हाँ ठीक है, परचेज करने साथ गोलियां तो देना फ्री में। गोलियां भी खरीदनी पड़ेंगी यार, ये सही नहीं है। इतनी तगड़ी तगड़ी गने हैं भाई ये, ड्रम गन आई गेस। ये ड्रम कहलाती है, कौन सी कहलाती है, हाँ ऐसी कुछ है इसका नाम। और कितनी है, कितनी रॉकेट लॉन्चर। दैट इज द सेकंड एंड फर्स्ट अमेंडमेंट रोल्ड इन वन। ओ भाई मिनी गन सभी खरीद लिया भाई, शहर के बड़े आदमी है भाई, इसे भी पता रखना चाहिए, इस बंदे को पता लगना चाहिए भाई कितने बड़े आदमी। वैसे ये गने बहुत मदद करती हैं हमें, ऐसी बात नहीं है नहीं मदद करती, ठीक ठाक मदद करती हैं गने। कौन सा है, स्मोक टे रिजर्व पैराशूट, कस्टम पैराशूट कैनोपीस फॉर रिजर्व फॉर प्राइमरी रिजर्व पैराशूट रिजर्व एयरफोर्स। एक मिनट, प्राइमरी में 2-2500 रुपये के हैं और रिजर्व में नेक्स्ट टू मैच 1000 पैराशूट स्मोक वाले 15000 का। भाई मुझे बताओ ये लेने क्यों रिजर्व वाले, नहीं भाई इससे ज़्यादा मैं परचेस नहीं करूँगा। अब पहले गनों के ऊपर लगाते हैं, वो लेमिनेशन होती है क्या होती है जो भी है। 12,500, 13,000, 12,000, 13,000 और 13,700 सबसे ज़्यादा महंगा यही है। ब्लास्ट वाला भी तो मैंने किया हुआ है, मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा महंगा है ब्लास्ट वाला। तो ये फुल है, आर्मी टेंट है और गोल्ड प्लेट प्लेटिनम तो अच्छा है ज़्यादा, और ये प्लेटिनम महंगा होता है इसलिए मैंने प्लेटिनम करवाया हुआ। जिसके पास नहीं है क्या है ये, अच्छा ये है, इस पर हुआ भी ऑलरेडी फिनिश, जब हुई भी है तो फिर प्लेटिनम की ज़रूरत नहीं है ना, गलत जगह पे मैंने खरीद ली। चलो गुड फॉर फैमिली इवेंट्स, ये इस पर भी हुई भी है, मतलब ये सारी चीज़ें फुल है एक तरह से, गोल्ड गोल्ड करके है ना फिनिशिंग। पता नहीं मैंने कब खरीदा, हाँ मखई में अभी मैंने पैसे ज़ाया कर दिए। इसके ऊपर लगाते हैं सप्रेसर और 50,000 रुपये के करीब लगा भाई। इसके ऊपर सप्रेसर ब्लैक टिंट है और प्लैटिनम टिंट है, सही प्लैटिनम सही है। इसके ऊपर रॉकेट लॉन्चर के ऊपर प्लैटिनम है ना, हाँ प्लैटिनम ले लेते हैं इसका। इसके ऊपर प्लैटिनम आर्मी प्लैटिनम मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, महंगा है इसलिए, महंगे की वजह से ले रहा हूँ और कोई वजह नहीं है। और इसके ऊपर एक्सटेंडेड मैग फ्लैश लाइट ग्रिप स्कोप प्लैटिनम, कोई मसला नहीं पैसों का भाई बहुत सप्रेसर स्कोप ग्रिप, और ये ज़रूर लगे। अब जाके आइए ना अमीरी कुछ इसमें, आर्मी टेंट प्लैटिनम, भाई प्लैटिनम महंगा होता है। एक्सटेंडेड जेब स्मोक स्कोप सॉरी फ्लैश लाइट सप्रेसर ग्रिप और ये लग्जरी जो भी है। अभी मेरे ख्याल से 30 लाख रुपए हैं शायद, 3 लाख रुपए ये स्टैंडर्ड फ्लैश लाइट सप्रेसर और एक प्लैटिनम। ओ भाई फ्यूमिंग को छोड़, तू बस ये देख कितना मालदार है अपुन, सब छोड़ सब खरीद लेगा अपुन, क्योंकि इन्वेस्ट कर चुका हूँ मैं अपने पैसे, तो मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे अब इनकम मिलती रहेगी। अगर मैं ज़ाया करते था ना सारे पैसे इसके ऊपर फिर मसला बन जाता। देखो इसे कहते हैं बिजनेस, नो डाउट इसे बिजनेस ही कहते हैं। प्लैटिनम और प्लैटिनम एक्सटेंडेड चेप ग्रेप स्कोप और ये फिनिशिंग। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे प्लैटिनम लेते हैं, इनका क्यों नहीं मुझे समझ में आया। वुडन ग्रिप इसमें है, इसमें है ना, इसमें भी होनी चाहिए, इसमें नहीं है। पहले कितना अमीर बना दी मैं, इसी को लूट ना लूँगा, अब नहीं है पैसे। खैर इससे ऊपर वाले में 44 इसको भी ख़रीदने के लिए 36 है, ये ख़रीद लिया मैंने, 2000 बचे हैं, 2000 में तो
1500 रुपये में ये भी खरीद लिया है। एक मिनट, ये ज़्यादा सही है ना, वो क्यों ख़रीदा 1500 रुपये? 1500 रुपये भी ज़ाया कर दिए, ये लग्जरी ऑलरेडी हुआ हुआ है। स्टैंडर्ड चेप, ग्रिप, फ्लैश लाइट के लिए भी नहीं है मेरे पास, वैसे अब मैं बहुत गरीब हूँ। अब कहते हैं जिसे सही गरीब होना कहते हैं ना, वो मैं अब हुआ हूँ जाकर। सही मायनों में 100-200 वाली भी नहीं खरीद सकता मैं, कहने कितनी है 5, 6, 7, 8, 9 इसी में आएगी ना रेल गन अगर आएगी तो। नहीं रेल गन इसमें नहीं आएगी, इसमें आएगी आई गेस रेल गन। इसमें भी नहीं आ रही भाई, रेल गन कहाँ चली गई मेरी? रेल गन इसमें भी नहीं है भाई, ये तो बंदूकें आ गई हैं सारी। भाई यार बम आ गए सारे, जेरी के इसमें आएगी आई गेस, हाँ इसमें आ गए। ओ भाई, ओ भाई धमाके होते हैं। लेस्टर को कॉल करने से क्या वो रोक देगा पुलिस को आने से? लेस्टर, ओ भाई, ओ भाई। Lester, I don't listen to my messages, but I probably listen to yours. Do with that as you will. भाई attitude है भाई Lester में उड़ाई नहीं था यार। गरीब नहीं है भाई, हम अमीर है। बम सड़क पे चला दिया, ठीक है गलत है मानते हैं हम, अकल नहीं थी हमारे पास, बच्चे थे हम। ठीक है इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट करते हैं चीज़ों में, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम हमें भूल सड़कों पे दौड़ाओगे। माइकल, डेवी, आर यू बिहेविंग योरसेल्फ? ओह, बट ऑफ कोर्स। एंड हाउ आर द किड्स? देयर गुड, आई एक्चुअली मीन दैट। अमांडा टू, हाउ इज वर्क? वर्क, आह, इट्स फाइन, बेटर देन फाइन, इट्स गुड, हैड अ फ्यू लकी ब्रेक्स। लुक आफ्टर योरसेल्फ माइक। यू टू डेवी, यू टू। अब पता नहीं मुझे वीकली इनकम कब मिलेगी, वीकली इनकम मिले तो बात है, मैं यहाँ पे अब गाड़ी को बनवाऊँ। यहाँ पे एक है शायद अंदर जाके आता है गाड़ी को रिपेयर करने वाला, ये रहा। लॉस सैंटोस का रिपेयर करने वाला हमारा। Tivoli Cinema. Hi, my name's Danny. I'm the manager at the Tivoli Cinema in Morningwood. I figured I should reach out and say hello, seeing as you're like my new boss and all. Yeah, well, I was kind of hoping it would run itself. Oh yeah, you won't hear from me unless it's like a real emergency. I've gotta go. Come in sometime, catch a movie. Like, free of charge, of course. I mean, you own the place. Zala, kam bhi de raha tha, kya kar raha tha? Free of charge, koi baat nahi. Here for the magic touch. पहले तो इसे रिपेयर करो, रिपेयर करने के बाद जो है हम देखेंगे करना कैसे। क्या मजाक है यार, ये रिपेयर करने के भी पैसे नहीं है यार, इतनी गरीबी कहाँ से आती है, निकल भाई। और नाक नहीं कटवा सकते हम यार, देखो हम इतने अमीर हैं, उधार खाता कर लो यार, सूद लगा दो, सूद दे दो यार, ऐसा भी मत करो यार, सूद पे दे दो यार। नहीं नहीं यार, इतना इतना भी गरीब नहीं होना चाहिए था दुनिया में रह के यार। प्रोटेक्शन फर्स्ट, अब पैसा कैसे बनाऊँ मैं ये सोच रहा हूँ, पैसा भी तो चाहिए। अब कौन सा मिशन करूँ कि पैसा बने ठीक ठाक? पैसे भी देखेंगे, मेरे ख्याल से नौकरी करनी पड़ जाएगी हमें, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मिशन करने पड़ेंगे ये। जाने अंदर रख लो, कुछ हुआ यहाँ पे, कुछ मामला हुआ है। हाँ Hey, how you doing? I am well on my way to being a fully actualized realization of the self that is a true rebuttal of everything that is typical within a normalized cynic. So I'd say very formative, thank you. Okay, good luck with that.
Good luck with that. बस कॉन्टैक्ट लेना था डायरेक्टर मोड में जाके. क्या है ये, फिर क्यों ऑप्शन आ रहा है? It's time to utilize your very own completeness. Don't let the reality pass you by. Life is not a game. Don't be a normal cynic. This is your chance. Hear what I am saying. It's simple and clear. Embrace your actuality. सुन लिया भाई, मोहतरमा ठीक है. और कुछ मुझे इसकी बात समझ में नहीं आई. मार्किंग आ रही है लेकिन समझ में नहीं आई है क्या. मुझे मेंटल लग रही है, फुल मेंटल, पूरा दिमाग से खिसकी हुई. हाँ मैं सही बता रहा हूँ, ऐसे लोग खिसके हुए होते हैं दिमाग से. बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल ही खिसकी लग रही थी मुझे. वो दिमाग मांग था उसके में. दिन का गया, मैं अब आ रहा हूँ. प्रॉपर्टी परचेज करता हुआ, गाड़ियों का बेड़ा गर्क करता हुआ. एमरजेंसी में कॉल करता हूँ कि बोली को नहीं करना, मुझे करना है एम्बुलेंस को. Hello, this is 911. What emergency service do you require? Thank you. Paramedics are en route to your current location. Paramedics को भेजो. मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ. तुम टेंशन नहीं लो. बेशक मैंने तुम्हें नहीं मारा, किसी और ने तुम्हें मारा. ओ भाई है कहाँ पैरामेडिक्स? पैरामेडिक्स वो भी है. पैरामेडिक्स कहाँ है भाई? आवाज़ें आ रही हैं. हाँ धीरे धीरे, अब मैं यहाँ से जा भी नहीं सकता. मदद करनी होगी. भाईजान मैंने नहीं मारा, उसने जागते जागते सब कुछ कह दिया तो सच उगल दिया तो ये है. so, भाई कहाँ निकल गए पैरामेडिक्स? भाई ये देखो, ऐसे लोग होते हैं, मदद नहीं करते. तुम्हें मरना ही था. भाई गाड़ी भी जवाब दे रही है. भाई गाड़ी को भी चेंज करना पड़ेगा. पैसा आए वीकली दे दे भाई, एडवांस में दे दे भाई. टिवोली भाई, टिवोली भाई एडवांस में दे दे, घर वाले मुझे बहुत पीटेंगे. खैर ये भी तकरीबन आधे घंटे की तो वीडियो हो ही गई ऑलरेडी. Yeah, it was a tough day at the office. Thanks for asking. Tough day था. कैसे हैं ये लोग? ठीक है ना? भाई, बीट बीट तो नहीं फूंक रही ना? नशा नशा तो नहीं कर रही ना ये लोग? ठीक है. दूसरा मेरा बेटा कहाँ है? लगा पड़ा है कमीना. Hey son, hey pop. कैसा रे बाबा? ठीक हो ना? सही है सही है सही है. ये मेरा कमरा है, सोते हैं भाई. वैसे भी रात होने को आई है. बिग डे, 60% कंप्लीट हुई है. जो मिशन रह गए हैं या जो नहीं कर पाए, जो कम कर पाए, जो 60% से नीचे है, वो आप करेंगे कंप्लीट हम आने वाले आगे वाली वीडियोस में. तो बने रहें आप मेरे साथ. Michael's good. A different man. Hey, oh, he just walked in. Bye. I hope you ain't talking to the cops. All good with you? I think so. I feel we're making progress. किससे बात कर रही थी तू रे? हैं झूठ बोल रही है? How you doing? Okay, honey. How are you? Hey, man. What's up? All good? Not perfect, but we're trying. Hey, my dear wife. Hello, my deeply flawed but almost lovable husband. Yeah, almost lovable husband. Hey, Amanda. Hey, Michael. Hey, you good? Yes, I think so. कैसे कर रहे? चल भाई, निकलते हैं. बहुत बातें कर ली, बहुत अमीर बन गए. गने भी अच्छी खासी मैंने परचेज कर ली, ऐसी बात नहीं परचेज की मैंने. और गने देखो क्या क्या ठीक ठाक मैंने परचेज कर ली है. वैरायटी ऑफ गन्स मैंने परचेज की. जैसे देखो या पहली गन, जैसे पहले मैंने अपने यहाँ पे कुछ और भी परचेज किया था. जैसे
चाकू नकलो हो भाई, निशान नहीं छोड़ना। मार्क्समैन की हैवी शॉटगन, पंप शॉटगन, यार वैसे ही मैं कुछ ऐसी गन है जो नहीं है मेरे पास, वो भी हम लोग अब इस गन गेम में लेंगे जो मिलती नहीं है, अमूमन ढूंढने से मिलती हैं। खैर अभी के लिए तो मैं इस वीडियो को इतना ही रखता हूँ, आधे घंटे प्रॉब्लम ये भी हो गई। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए कॉन्टेंट के साथ। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल है गेम के हवाले से, किसी और चीज़ के हवाले से, किसी और गेम के हवाले से चाहते हैं मैं कोई और गेम खेलूँ तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन ज़रूर देखता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए कॉन्टेंट के साथ। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में एक नए कॉन्टेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।